तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला है वैलेंटाइन डे का फोटो एडिटिंग, ठीक है ना। एकदम सिंपल स्टेप में, कोई इतना आसान स्टेप में नहीं बताया होगा, एकदम इजी स्टेप में। और हाँ, वैलेंटाइंस डे आप लोग को पता है कि आने वाला है, आप लोग को अच्छे से पता है। और वैलेंटाइन डे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आखिर पिक्सआर्ट से आप लोग कैसे फ़ोटो सेव करेंगे कि आपका फ़ोटो का क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगा, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी लोग का शिकायत सुनते हैं, कमेंट में आता है कि भाई पिक्सआर्ट में फ़ोटो को सेव करते हैं तो फ़ोटो का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, फिर हमको रेमिनी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का इसी में आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये भी प्रॉब्लम बताऊंगा और सबसे ज़्यादा सिंपल स्टेप में आप लोग को ऐसा फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो का क्वालिटी देख सकते हैं यार, बिल्कुल भी खतरनाक एकदम देखने में लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बिल्कुल बनाया हुआ फ़ोटो है, और कलर करप्शन भी काफ़ी अच्छे से हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही चीज़ आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो देख सकते हैं, आगे बताते हैं आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो ध्यान से देखिए। सो फर्स्ट में गाइज, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड रहेगा जो कि आप लोगों को इजीली मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाके, ठीक है ना। तो इसको शेयर करना आपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। सो गाइज, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद सबसे फर्स्ट में आप लोग को क्या करना है, रीसाइज वाले टूल पर चले जाना है, यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन पर क्रॉप वाले पर चले जाना है, और यहाँ पर हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको पोस्ट वाले साइज़ में क्रॉप कर लेना। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें लिखा हुआ है पोस्ट। और हाँ, बहुत ही जल्द गाइज आप लोगों को पिक्सआर्ट का एआई टूल के बारे में भी ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को एआई के बारे में ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पिक्सआर्ट का एआई ट्यूटोरियल बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो हम पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे राइट क्लिक कर लेंगे। सो गाइज, इसके बाद से आप लोग को सिंपल सा क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर चले जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पर और रीसाइज वाले ऑप्शन पर जाके और इसको कर लेना है रीसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5000 और लिखने के बाद 2827 पे ऐसे करके और रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के बाद गाइज आप लोग को क्या करना है, सिंपल से देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है ऐड फोटो का एक ऑप्शन। ऐड फोटो में जाने के बाद वहाँ से अपना फोटो को ऐड करना है, तो मैं पहले अपने फोटो को ऐड कर लेता हूँ। सो फाइनली गाइज, कुछ इस टाइप से अपने दोनों मॉडल को कटआउट करके ऐड कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ और यहाँ पर नीचे कुछ इस टाइप से हम एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे और इसको भी यहीं पे एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है, कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं काफ़ी वेस्ट लग रहा है, और दो तीन पीएनजी और है जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेंगे इस साइड में, तो यहाँ पे ही ठीक है, थोड़ा सा इसी को हम इस साइड में कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम क्या करेंगे, दो तीन पीएनजी और है उसको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे अपने ऐड फोटो में चल के उसको भी ऐड करेंगे। तो फाइनली गाइज, मैंने दोनों पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लिया है, और इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा ऐसे क्रॉप कर लेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे जिससे कि हमको ऐड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और कुछ इस टाइप से अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड के हिसाब से इसको बड़ा कर लेंगे और ऊपर की साइड में इसको ले जाके, और यहाँ पे हमको क्या करेंगे ब्लेंडिंग पे ले जाके और इसको यहाँ पर देख सकते हैं जैसे भी, मतलब जिस पर अच्छा लगेगा उस पर आप लोगों को कर लेना है। तो मैं सिंपल से स्क्रीन वाले ऑप्शन पर करूँगा और यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और मूव डाउन कर लेना, यानी कि ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। पीछे जाने के बाद गाइज इसको क्या करना है, थोड़ा सा और इतना पे ऐड कर लेना है, ठीक है ना, जिससे कि लगेगा नहीं बिल्कुल भी कि पीछे ऐड हुआ है। और इसको ऐड करने के बाद देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ले लेता हूँ और इरेजर वाले ऑप्शन पे जाके और हल्का हल्का नीचे से ये वाला इरेज कर लेना है, जिससे कि ये थोड़ा थोड़ा लाइनिंग बन गया है, इसको इरेज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद से ये शैडो वाला पीएनजी है, इसको हम क्या करेंगे कुछ इस टाइप से बड़ा करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे नीचे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी का प्रोसेस आप लोग को आगे बताते हैं क्या करना है। आप लोग को अपना मोबाइल डेटा ऑन रखना है और चले जाना है सिंपल से स्टिकर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे सर्च करना है रोज़, ठीक है। रोज़ आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोग के सामने रोज़ आ जाएगा, मतलब गुलाब का फूल ऐसे आ जाएगा,
और इसमें से जो भी आप लोगों को फूल अच्छा लगे आप लोग इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोई सा एक फूल यूज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए मुझे ये वाला यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे अपने हाथों में ऐसे ये वाला ले लूँगा, ठीक है ना। इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा जिससे कि अच्छा दिखे। और यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इरेज कर लिया थोड़ा सा इधर का, ऐसे ही इरेज कर लेना है आप लोगों को भी और काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर लेना अपने हाथों में। अब यहाँ पे लिखना है वैलेंटाइन डे। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है ना। आगे टेक्स्ट ज़रूर लगाना है तभी जाके आपके लोग के सामने बहुत सारा PNG आएगा। तो इसमें से आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग यूज़ कर सकते हैं सिंपल से। तो मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो मैं यही वाला यूज़ करूँगा। और ये वीडियो में भी मैंने फ़ोटो में भी यही वाला यूज़ किया है, ठीक है। तो आसानी से हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेंगे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हाँ, आप लोगों को गाइज एक बात बताना भूल गया कि इस वीडियो में जो भी हम फोटो का कटआउट किए हैं ये कटआउट ही आप लोगों को मिल जाएगा इजीली। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से कर लीजिएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद थ्री डॉट पे करेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे सेव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से हम इसको ओपन करेंगे कहाँ पे, अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, एकदम इजी प्रोसेस में बता रहा हूँ। सो गाइज लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए हाईलाइट को अगर कम करते हैं तो भी देखिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। हाईलाइट को ज़्यादा ही कम कर देंगे तो बैकग्राउंड तो ठीक लग रहा है लेकिन फेस ख़राब हो जा रहा है। तो हम हाईलाइट को थोड़ा सा ही कम करेंगे, वाइट एंड ब्लैक दोनों को हम कम करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे कर रहे हैं, शैडो को थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज़ करेंगे, देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया फ़ोटो, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और ब्लैक को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा ऐसे कम कर लेंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, थोड़ा सा शैडो को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा और कम ही रखना है यानी कि 80 तक रखना है। उसके बाद से कलर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, कलर वाले ऑप्शन पे आके अपने फेस पे थोड़ा सा लुमियंस को बढ़ा लेना है और रेड टोन का ह्यू थोड़ा सा कम करके सेचुरेशन को बढ़ा लेना है, ठीक है। येलो टोन बिल्कुल भी नहीं रखना है तो इसको हमको माइनस में रखना है और इसका लुमियंस बढ़ा लेना है। और देखिए यहाँ पे ग्रीन टोन है, ग्रीन टोन इसमें थोड़ा सा पीछे है तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ब्लू टोन और ज़्यादा दे देंगे तो इसका ह्यू थोड़ा सा हम कम कर लेंगे तो ये ब्लू टोन में आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी मस्त लग रहा है। अब इसके बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है ना, सिंपल से आप लोगों को क्या करना है, कलर वाले ऑप्शन यहाँ पे आ जाना है, डिटेल पे शार्पनेस को बढ़ा लेना है, डिटेल को फुल रखना है और नॉइज रिडक्शन इसको बढ़ाएंगे तो हमारा फेस भी थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। और कलर नॉइज रिडक्शन इसको अगर 100% बढ़ाते हैं तो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल भी मतलब पूरा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है ना। डिटेल स्मूथनेस को फुल रख लेना है। फुल रखने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं फ़ोटो मैंने सेव कर लिया और यहाँ पे सेव हो रहा है, एक्सपोर्टिंग लिखा हुआ है। आप लोग को बहुत ही कम समय में ऐसा एडिटिंग मैं सिखा दिया हूँ। अभी सेव हो रहा है फ़ोटो, उसके बाद से आप लोग को बता देते हैं। सो फाइनली गाइज देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करते हैं, देख सकते हैं फ़ोटो बहुत ही शानदार लग रहा है लेकिन बस इसको स्मूथ करना है। स्मूथ करने के बाद रेमिनी आप लोगों को इस पर अपलोड कर देना, मतलब रेमिनी मार देना है, ठीक है ना। रेमिनी में लास्ट में इस फोटो को लेके चले जाना है, आपका फ़ोटो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब देखिए फ़ोटो को सेव करने का तरीका मैं भूल गया था बताना, अभी ध्यान में आया है तो आप लोग को बता देता हूँ। पिक्सआर्ट में आप लोग अपने फ़ोटो को ले लीजिएगा और आप लोग कभी भी, आप लोग को बता देते हैं, आप लोग ड्रॉ टूल में से कोई भी फ़ोटो ऐड कीजिएगा, आराम से ज़्यादा फ़ोटो नहीं फटेगा। उसके बाद से फ़ोटो सेव करने का तरीका सबसे पहले जान लीजिए। सेव करते हैं तो ड्रॉ टूल में आने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस पर चले जाना है और देख सकते हैं एक ब्लैक वाला लेयर है, इसी को रहने देना है और ऐसे ड्रॉ वाले ऑप्शन पर चलना है और यहाँ पर ये वाला ले लेना है, ठीक है ना। कोई भी एक ब्रश ले लेना है, एक नंबर इसका साइज़ रख लेना है और साइज़ को रखने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें हम एक निशान बनाएंगे। देखिए जैसे कि ये वाला लेयर में हम एक निशान बनाएंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए मैं बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे देख सकते हैं एक ब्लैक का निशान यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, छोटा सा। तो इसको क्या करना है, बैक कर देना है और कहीं ब्लैक में ही ऐसा ब्लैक बनाना है कि मतलब दिखे नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा कोना वोना में बना लीजिएगा, जैसे कि मैं इधर कोने में बना लेता हूँ, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से इसको क्या करना है, इस वाले लेयर को लेना है और इसमें भी इरेजर वाले ऑप्शन पे जाके
और एक हल्का सा ऐसे बना लेना है, ठीक है ना, हल्का सा एक ब्लैक कलर का एक डॉट ही समझ लीजिए। इसको यहाँ से साइज़ हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहले साइज़ को हम कर लेंगे छोटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सिंपल सा हम एक निशान खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ दोनों को हम क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे, ठीक है, आपस में मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद गाइज अभी हम इस फोटो को सेव करेंगे, ठीक है। देखिए सेव हो रहा है। अभी सेव होने के बाद मैं दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ, दोनों फोटो कैसे सेव हुआ है। सो गाइज यहाँ पे मैं जस्ट मैंने अभी जो फोटो सेव किया है, ये वाला फोटो है, तो इसको मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये मेरा फोटो PNG फॉर्मेट में सेव हुआ है और PicsArt में 12 MB का फोटो सेव हुआ है, ठीक है, 12.5 MB का, देख सकते हैं। और जो तरीका मैंने बताया ये वाले तरीके से, और पहले वाले तरीके से दिखा देता हूँ। सो गाइज ये रहा फर्स्ट वाला तरीका, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं JPG में फ़ोटो सेव हुआ है और 3 MB का फ़ोटो सेव हुआ है। तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि PNG फाइल काफ़ी बेस्ट होता है, ठीक है ना, क्वालिटी के मैटर में। तो आप लोग इस तरीके को यूज़ करके अपने फ़ोटो को सेव करेंगे तो आपका फ़ोटो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम फुल HD में सेव होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, फेस को ऑटोडेस्क से स्मूथ कर लेना है। अगर आप लोगों को स्मूथ करना नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और वीडियो का लिंक नहीं भी मिलेगा तो मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियोज़ पड़ा हुआ है, सारा वीडियो फेस स्मूथ के ऊपर ही है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने फेस को ईजिली स्मूथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आई होप अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।